तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो काफ़ी दिनों बाद मैं अपलोड कर रहा हूँ। काफ़ी बिजी था मैं, स्कूल वूल का काम चल रहा था और एग्जाम्स का सीजन भी आपको पता ही होगा। ओह रियली? मी वाओ। तो आज की वीडियो में इस ट्राई करने वाले वर्ल्ड्स हार्डेस्ट क्राइमर। तो आपने जीपम की वर्ल्ड वीडियो देखी होगी जिसमें वो बताता है कि वर्ल्ड्स हार्डेस्ट क्राइम को आप कैसे सॉल्व करोगे। अगर आपको बैकग्राउंड में थोड़ी आवाज़ आ रही हो तो इग्नोर करना, मैं अभी बाहर इंट्रो शूट कर रहा हूँ इसलिए। तो आपने वाली वीडियो तो जरूर देखी होगी, उसमें वो हार्डेस्ट स्क्रैम्बल को सॉल्व करता है। वैसे हार्डेस्ट स्क्रैम्बल ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि आप कोई भी स्क्रैम्बल को सेम टाइम में लगभग लगभग सॉल्व कर ही सकते हो। तो देखते हैं और ट्राई करेंगे उस स्क्रैम्बल को कि वो कितना हार्ड है। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो हमें सब कुछ चीज सेटअप करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले थोड़ा वार्म अप होने के लिए हम थोड़े वार्म अप सॉल्व करेंगे, एवरेज ऑफ 5 करेंगे। पहली सॉल्व में +2 हो गया। We got a 12. Looks like a good scramble. I messed it up on the Z-pum. 13.75, 13.2221. So we got an average of 13.23, which is pretty normal for me because I average around 13 seconds. इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, ताकि मैं आपके पास और भी ऐसी ऐसी बढ़िया बढ़िया वीडियो ला पाऊँ। और लाइक करना वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो। So this is the scramble. I took a screenshot of it and now I'll scramble it up. तो जब मैंने पहली बार ये स्क्रैम्बल देखा तो मुझे इतना हार्ड नहीं लगा। Oh really? फिर आप गौर से देखोगे तो जो व्हाइट के क्रॉस पीस है वो सारे येलो सेंटर पे और सारे बैड एजेस हैं, और जो येलो के क्रॉस पीसेज है वो सारे व्हाइट पे है वो भी बैड एजेस है, और जो रेड के क्रॉस पीसेज है वो ऑरेंज पे है और वो भी सारे बैड एजेस है, और जो ग्रीन के है वो येलो के पास है और वो भी सारे बैड एजेस है। तो जेपम ने सारे ये जो बैड एजेस है, ताकि क्रॉस, इससे हमारा क्रॉस के टाइम पे इफेक्ट पड़ेगा, जिससे हमारे टोटल टाइम पे इफेक्ट पड़ेगा। तो यही था हार्डेस्ट स्क्रैम्बल। तो अब इसको ट्राई करते हैं। तो पहले मैं इसका कोई सॉल्यूशन देखता हूँ अच्छा सा। तो बहुत देर सोचने के बाद मुझे इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिला, तो मैं जस्ट ट्राई करने वाला हूँ। I got a sub 15 man. It's a sub 15. तो मैंने सोचा नहीं था कि बिल्कुल मुझे पहली अटेम्प्ट में सब 15 मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। वैसे अगर आप क्रॉस को अच्छी तरह पैन कर लेते हो तो स्क्रैम्बल इतना भी ईजी नहीं है। FL पेयर्स काफ़ी ईजी थे और OLL PLL भी ईजी था। और अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं दूसरे कलर से कर लूँगा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सारे एजेस पे वही अप्लाई होता है कि अगर आप इससे सॉल्व कर रहे हो तो इसके सारे एजेस यहाँ पर मिलेंगे, वो भी सारे बैड एजेस।
सो डेट इज इट फॉर द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी बटन को ऑल पे सेट कर देना। इस हफ्ते मेरे 200 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं और मैं 2023 तक चाहता हूँ कि मेरे 300 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाए, तो उस गोल को पूरा करवाने में मदद जरूर करना और चैनल को शेयर करते रहिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि मेरा चैनल ग्रो कर पाए और मैं आपके पास और भी अच्छी अच्छी वीडियो ला पाऊँ। टिल देन बाय बाय।